एंग्जाइटी को आप अपने आप ठीक कर सकते हैं, खुद को उपचार कर सकते हैं, और वो कैसे, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज 100 में से 20 लोगों को एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी के शिकार है, भले वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट में जाते हैं, नहीं जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास में जाना लोगों को अच्छा लगता नहीं है, उनको लगता है कि नहीं क्या पागल हो गया मैं वहाँ जाऊँ। मगर आज एंग्जाइटी 100 में से 20 लोगों का है, और उनको लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ऐसे होते हैं कि भाई, एक तो बहुत धड़ 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 हार्ट बीट बढ़े हुए हैं, पसीना आ रहा है, और खामोखाप या थोड़ा कारण है तो हाथ कांप रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट है, दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, सिर में बहुत ज़्यादा हीवीनेस, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वजन रखा हुआ है, सांस लेने में वो तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि एक एक सांस मुझे पूरता नहीं है और लेना पड़ेगा, पूरे बॉडी में टिंगलिंग नमनेस मतलब हाथ पैर में चिटियाँ आती है, चिटियाँ दौड़ती है और बधिर हो जाता है, कभी कभी नौशिया एंड वोमिटिंग मतलब जी मछलाना, उल्टी होना ऐसा भी होता है, पूरे बदन में दर्द, बदन ऐसा लगता है कि हाथ पैर बहुत थक गए हैं और उठना भी मुश्किल होता है कभी कभी। अभी इसमें अलग अलग प्रकार की एंग्जाइटी है, एक तो क्या है कि इंटरव्यू का डर है, तो भाई इंटरव्यू है, जॉब के लिए जा रहे हो तो डर लग रहा है, एग्जाम है डर लग रहा है, या फिर घर का आदमी लेट आ गया है तो वहाँ डर चल रहा था, कहाँ गया क्या नहीं क्या हुआ, किसी को एक्सीडेंट का डर लगता है, किसको क्वारल का झगड़े का डर लगता है, किसको बच्चा लेट आ रहा है मालूम पड़ा कहाँ गया है मालूम नहीं है तो लेट, हस्बैंड घर में नहीं आ रहा जल्दी टेंशन, तो लोगों को छोटी छोटी बातों का टेंशन लगता है। अब इसमें किसी को फोबिया रहता है मतलब भयगंड, क्योंकि बाहर जाने का डर, रास्ता क्रॉस करने का डर, अकेले रहने का डर और घबराहट चल हो जाती है, लोगों में मिलने का डर, कोई बड़ी पार्टी में जाने का डर, सफ़र करने का डर, तो ऐसे फोबिक एंग्जाइटी भी होती है। और कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, और पैनिक अटैक का मतलब ऐसा होता है कि एकदम एकाएक ऐसा जोर से झटका आता है और उसमें ऐसा लगता है कि बस अभी मर जाऊँगा, भागता है इधर उधर, वो दौड़ता है कोई डॉक्टर मिल जाए, मेरे को कोई इंजेक्शन दे, सलाइन दे ताकि अभी मैं मर जाऊँगा। ऐसे पैनिक अटैक आते हैं महीने में एक बार दो बार किसी को, और फिर उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। क्या था कि इसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं डर की वजह से, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, उनसे बट्टी नहीं है, जॉब में जाते नहीं हो टाइम टू टाइम, वहाँ किसी को बोल नहीं सकते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आते हैं, बिजनेस डाउन होना चालू हो जाता है, और इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि अल्टीमेटली उससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे डिप्रेशन होता है, बहुत निराशा आती है। तो कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई है उससे डर लग रहा है, वो बाहर हो रही है, पास्ट में हुई है और वो रिपीट हो जाएंगे ऐसा लगता है, या फ्यूचर में कुछ घटना हो रही है या अभी हो रही है, मतलब डर तो कोई भी बात का हो सकता है। और क्या होता है कि एक कुछ तो भी हो गया तो नेगेटिव थॉट आना चालू हो जाते, फिर एक के ऊपर नेगेटिव थॉट्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब जिसको प्रॉब्लम है ना उसको तकलीफ है, घर के लोगों को बोलता है, बोलते नहीं नहीं क्या हो गया आपको, कुछ तो नहीं हुआ, खाते पीते अच्छा हो, सोते अच्छा हो, सब तो ठीक चालू है, तुमको हुआ क्या, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर पीठ पर हाथ रखेगा, बोलेगा ठीक है कोई चिंता मत करो, मैं आपको दवा देता हूँ ले लो, डॉक्टर भी कोई इसका खास इलाज नहीं करेगा। अभी जब ये लोग हमारे पास में आते हैं तो मैं पहले बोलता हूँ कि भाई आपके लिए आपका पूरा तपास कर लो, लाइक आप ECG निकालते हैं कि वो हार्ट प्रॉब्लम है क्या, BP तपासते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि भाई थायराइड ग्लैंड का तो प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ है क्या, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है, फिर फेफड़े जो है लंग्स वो ठीक काम कर रहे कि नहीं कर रहे, हम USG एब्डोमिन निकाल सकते हैं जब एब्डोमिनल पेन है तो, गैस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं ताकि पूरा टेस्ट करके फिर हमको ये नतीजे पे आना है कि नहीं नहीं ये बीमारी है और ये साइकोलॉजिकल बीमारी है।
क्या इसकी वजह से चिड़चिड़ा बनाता है, नींद नहीं आना, दिमाग सुना सुना हो जाना, अकेलापन लगना, ये भी होता है, तो ये करे क्या, करे तो ये सवाल आता है। तभी सोचना ये कि चालू कैसे हो गया। चालू ऐसे होता है कि देखो हमारा है ना, हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास होता है कि मेरा लाइफ ऐसा 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 चलेगा, और जो मेरा विश्वास है वो विश्वास के मुताबिक ही चलना चाहिए, दृढ़ विश्वास के मुताबिक ही लाइफ चलना चाहिए। क्या होता है कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती है कि जो चीज़ों से कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हम घबरा जाते हो। हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया सचमुच, हो सकता है कि किसकी अचानक डेथ हो गई, कुछ भी हो सकता है अचानक, कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि मेरे अनुसार ही सब चीज़ें होना जरूरी है, मैंने ये सब चीज़ें जैसा बोलता हूँ ऐसी करनी चाहिए। अब जब मेरे अनुसार सब चीज़ें होनी चाहिए ऐसा जब मैं बोलता हूँ अब वो हुई नहीं, तो लगता है डर, तो होता है टेंशन। क्योंकि हमारे पास में कोई बिलीफ है, विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है जो यहाँ हिल जाता है, टूट जाता है ऐसी कोई भी घटना होती है और फिर प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए कोई घटना होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, उस समय कुछ तो भी निगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आता है, तो ऐसे थॉट आ जाते घर वालों को बोलते, घर वाले बोलते तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर, आराम कर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, एक्चुअली पूरा तपास करके देखना है कि भाई कुछ हुआ है क्या सचमुच, और नहीं हुआ है तो फिर ये साइकोलॉजिकल है, साइकियाट्रिस्ट के पास में भेजो, ताकि क्या होता है कि इसका इलाज हो सके। अभी देखो ना, एक निगेटिव कोई घटना होती है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि नहीं होना चाहिए, वो घटना हो गई, मेरा विश्वास टूट गया और निगेटिव विचार आ गया। अब एक निगेटिव विचार आ गया, क्या होता है कि एक निगेटिव विचार अभी बाकी निगेटिव विचारों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर वो विचार अंदर है और एक हरा निगेटिव विचार आ जाएगा, फिर और एक है, फिर और एक निगेटिव विचार आ जाएगा, क्योंकि वातावरण में सब कुछ तो हो ही रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये निगेटिव विचारों की एक श्रृंखला तैयार हो रही है, और वो श्रृंखला जो है वो चालू हो जाती है ऑटोमेटिसिटी में, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। और फिर जब ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है, और वो कॉन्शियस माइंड को तकलीफ देती है, क्योंकि ये सब सब कॉन्शियस माइंड में है। तो हमको क्या करना है कि अभी ये जो घटना हुई उसका निगेटिव थाट जो आ गया वो सब कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, अभी हमको कॉन्शियसली वो निगेटिव थॉट को निगेट्रोल करना है, निगेट करना है। तो फिर हम क्या करें, हमको क्या करना है कि बार 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 हमको रैशनली ये खुद को बोलना है कि देखो भाई मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है, मगर ये सब रिपोर्ट मेरे नॉर्मल है, डॉक्टर ने बताया कि कुछ भी खराबी नहीं है, इवन हार्ट, फिर अभी क्या डर है, मुझे सोचना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप को जब सोचेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो काल्पनिक हूँ मेरा, और वो कल्पना में मैं रहता हूँ, और उसके वजह से फिर कंटिन्यूसली थॉट्स आते रहते हैं, कल्पना को से निगेटिव विचारों की। तो अभी मेरे को क्या करना है, तो मेरे को पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसके बदले मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत साहसी हूँ और मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, और बार 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 बोलना पड़ेगा। जब ये आप बार 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 बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इम्प्रिंट बढ़ जाएगी, इम्प्रिंट रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा, और फिर जैसा वो रीप्रोग्राम हो जाएगा आपको पीसफुल लगेगा, नींद आपको जल्दी आ जाएगी। अब आत्मविश्वास कभी भी टूट सकता है कि आपको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बीपी बढ़ गया और आपका दोस्त मर गया अटैक से, हो सकता है कि आप रास्ता पार कर रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, हो सकता है कि आपने कोई एक्सीडेंट देखा है या आपको एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि आप फेल हो गए, सांस ने टोक दिया, कुछ भी हो जाता है और आपका आत्मविश्वास टूट जाता है, और टूटने पर भी आपको ये करना ही होगा। इसको बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नंबर एक कि आप जो है जो चीज़ कर रहे हैं उस पर ही ध्यान दो, 100% माइंडफुलनेस, एक ये उसका उपचार है कि एंग्जाइटी नहीं होने का, 100% माइंडफुलनेस, होगा नहीं होगा ठीक है चलता है, नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करनी है 100% माइंडफुलनेस, कंटिन्यूसली वहीं के वहीं फोकस रहना है, ताकि बाकी जो है विचार, सोच, घबराहट वो नहीं आएंगे, मन विचलित होगा ऐसा कुछ भी मत करो, मन स्थिर करो। नंबर दो है कि आप व्यस्त रहे, व्यस्त रहना मतलब आप काम में बिजी रहो तो आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे,
और समझो काम नहीं है तो फिर आप गाना गाओ, मूवी देखो, कोई हॉबी डेवलप करो, है ना कहीं बिजी हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में विचार नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट आप मेडिटेशन करो, आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। मैं आपको हिप्नोसिस सिखाता हूँ, लोगों को क्लासेस लेता हूँ, आप जब सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे आप विचार शून्य हो जाएंगे। देखो ना अपना मन जो बार 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 इधर उधर भागता है, बार बार भागता है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ कोशिश करना, कोशिश ये करो कि अपन जो सांस अंदर ले रहे उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, अंदर बाहर ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको लगेगा, आपका फोकस वहीं रहेगा, आपका डर कम हो जाएगा और आप जो काम करेंगे उसको उसके ऊपर भी आपको उस समय अच्छा फायदा लगेगा। फिर और एक काम कर सकते हैं कि आप एक दिया जलाओ और उसकी जो जोत है ज्योति, वो ज्योति की तरफ देखते रहो कुछ समय तक देखते रहो, ताकि आपके मन के विचार नॉर्मल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सब विचारों को आने दो, जितने आते उतने आने दो, बस देखना है, मोबाइल फिबाइल सब बंद करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। अभी आपको बहुत ही ज़्यादा है और आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो मेडिसिन की ज़रूरत है, जल्दी इलाज चाहिए, तुरंत पाई चाहिए, या मैं हिप्नोसिस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो हम दवाई लिख देते हैं, दवाई लो। जब आप दवाई लेते हैं तो फटाफट आराम पड़ जाता है, क्योंकि दवाई एंटी एंग्जाइटी है, और एंटी एंग्जाइटी दवाई आप लेते हैं तो उससे फ़ायदा भी हो जाता है, आप अच्छा काम भी कर सकेंगे और आपको तुरंत अच्छा लगेगा, ठीक है भाई अच्छा हो गया, अभी ठीक लग रहा है। हम तो ऐसी दवाई देते हैं क्लोनाजेपाम, कि ऐसा टेंशन वाला कार्यक्रम हो तो उसके पहले खा लो, वो चूस सकते हैं आप जबान के नीचे रख के, डर लगता है बाहर जाने का कुली खा लो। तो ये सब आप उपचार करेंगे अलग अलग प्रकार के तो डेफिनेटली आपको इसमें फ़ायदा होगा, एंग्जाइटी से आप दूर हो सकेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।